वही सभी लोग सोच रहे होते इस लड़के ने एक बार सोचा भी नहीं $5,000 भेजने से पहले क्या ये किसी अमीर बाप की औलाद है। फिर टोनी बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दो। वही निया सोच रही होती है ये बंदा है तो काफी ज्यादा अमीर लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर निया बोलती है अभी रुको अभी तो पूरा दिन बाकी है। साथ ही वो सोच रही होती है मैं इससे आज इतना खर्चा करवाऊंगी कि ये रोते हुए घर जाएगा। फिर निया टोनी को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड बैग्स के शोरूम पे लेके आ जाती है और टोनी देखता है कि उसी शोरूम में नोरा भी होती है। फिर निया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आपके पास अभी भी वो लिमिटेड एडिशन वाला बैग पड़ा हुआ है और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे पास एक तो पड़ा हुआ था लेकिन अभी आपके सामने खड़ी लड़की उसे ट्राई कर रही है। वही नोरा सोच रही होती है आखिर इतने बड़े शोरूम में टोनी क्या कर रहा है, लगता है वो हमें अभी भी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। चलो मैं उसको डिफरेंस दिखाती हूँ कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड उससे कितना ज्यादा अमीर है। फिर नोरा उस बैग को दिखाते हुए बोलती है जेंकी मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जेंकी बोलता है अभी तो हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर नोरा बोलती है मैं 2 कैलेंडर को फॉलो करती हूँ, लूनर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आ चुका है और सोलर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जेंकी बोलता है नोरा तुम्हें पता है ना मुझे लालची लड़कियां नहीं पसंद और कहीं तुम मेरे पास मेरे पैसों की वजह से तो नहीं आई हो ना। और जेंकी की ऐसी बातें सुनकर नोरा काफी डर गई होती है। फिर निया नोरा के हाथ से वो बैग छीनते हुए बोलती है लगता है तुम इसे खरीद नहीं पाओगी, इसे तो मैं ले लेती हूँ। और टोनी ने उसे वो बैग दिला दिया होता है। फिर टोनी बोलता है सिर्फ एक बैग दिलाने की वजह से मैं जो फैशन पॉइंट था वो 50 से 60 हो गया, कुछ और सामान के साथ में ही मैं इस लड़की को अपना बना लूंगा लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक बहुत ही कम खर्चा किया है, इसे मुझे क्या मिलेगा। वही स्टोर की लड़कियां बात कर रही होती है कुछ लोग काफी अच्छा कपड़ा पहनते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, वही कुछ लोग टी शर्ट और पैंट में ही लाखों का खर्चा कर देते हैं। सच में मैनेजर जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, हमें किसी को भी उसे कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। देखो ये जो लड़की है वो एक बैग तक नहीं खरीद सकती। और ये सारी बातें सुनकर नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही निया सोच रही होती है लगता है मुझे इस बेवकूफ से और भी खर्चा कराना चाहिए। फिर निया टोनी को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए बोलती है मिस्टर हस्बैंड मुझे और भी बैग दिला दो। और ये देख के नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉप से बाहर निकल जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है नोरा अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगी। फिर निया बोलती है मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो मैंने उसके सामने कैसा एक्ट किया और क्या मुझे इस एक्टिंग के बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और टोनी बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है और जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो, क्या तुम कहीं एक बैग से सेटिस्फाइड तो नहीं हो गई ना। फिर टोनी बोलता है इस शॉप पे यहाँ से लेके वहाँ तक जितना भी सामान पड़ा हुआ है उन सभी को पैक कर दो और उन सभी की पेमेंट मेरे कार्ड से काट लो। और ये सब देखते हुए निया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग एक एक करके बहुत सारी शॉप पे जाते हैं और टोनी निया को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। फिर निया बोलती है हमने बहुत कुछ खरीद लिया, इतना तो मेरे घर में फिट भी नहीं होगा, अब रहने देते हैं। फिर टोनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नया घर दे दूं। और ये सुन के निया काफी डर गई होती है और कहती है आज तुमने मेरे ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर दिए, पहली मीटिंग के हिसाब से इतना बहुत है। वही टोनी सोच रहा होता है लगता है मैंने इसको घर दिलाने की बात करके डरा दिया। फिर टोनी बोलता है तुम्हारा नाम है निया जो कि आर्ट कॉलेज में मेरी जूनियर है और तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लैक और तुम्हारा फेवरेट खाना है कुशीन और तुम्हें हॉरर मूवीज भी काफी पसंद है लेकिन तुम्हें रात में अकेले चलने में काफी डर लगता है। निया अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इतना खर्चा नहीं करता। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे $5,00,000 एडवांस में दे रहा हूँ, अगर निया को यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है तो वो चीज़ पहले निया को मिलनी चाहिए। फिर टोनी बोलता है अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो मैं तुम्हें एक और नया गिफ्ट दिला देता हूँ। और ये सब देख के निया काफी शर्मा रही होती है। फिर टोनी निया के पास जाते हुए बोलता है तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, इतना मेरे लिए बहुत है। और निया टोनी के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है बस अब चुप हो जाओ। साथ ही निया की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। ये सब देखते हुए स्टोर की लड़कियां बोल रही होती हैं काश हमारा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता और इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना ज्यादा प्यार करता है। वही टोनी सोच रहा होता है मैंने नोरा से बहुत ज्यादा प्यार किया लेकिन पैसा न होने की वजह से सभी लोग बोलते थे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और सिर्फ पैसा होने की वजह से ये सभी लोग मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। सच में ये दुनिया लूजर्स के लिए और पैसे वालों के लिए काफी ज्यादा अलग है। तभी निया कहती है तुमने मुझे तो काफी कुछ दिला दिया पर क्या तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे। और टोनी कह रहा होता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है। फिर निया बोलती है ठीक है तो अब मेरी बारी है तुम्हें गिफ्ट देने की। फिर निया सोच रही होती है अगर मुझे इतनी बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे छोटे छोटे चारे डालते रहने होंगे। आगे निया टोनी को ले जाके काफी अच्छे कपड़े दिलाती है साथ ही उसको ग्रूमिंग भी करवाती है। तभी हम देखते हैं टोनी जो कि एक टाइम के लिए लूजर था वो अब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया होता है। और निया सोच रही होती है ये लड़का जो एक गंदे कपड़े पहनने की वजह से काफी ज्यादा अगली लग रहा था वो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने की वजह से कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और निया के ऐसे देखने की वजह से टोनी बोलता है क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है ये लाइफ में पहली बार है
जब मैंने खुद का इतना ध्यान रखा है। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इसे मेरा पैसा भी नहीं लगा। फिर निया टोनी के पास आके बोलती है, तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे, बस ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। तभी निया वहाँ जाते हुए बोलती है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और एक दिन के अंदर ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। और जो निया का अफेक्शन होता है वो 68 पॉइंट तक पहुंच गया होता है। और जब टोनी अपने घर पे आता है तो उसके शायद उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, टोनी आखिर तुम दिन भर कहाँ पे थे, तुम आज पूरे दिन घर नहीं आए। और टोनी बताता है, आज मैं निया के साथ में डेट पे गया था। फिर टोनी का एक दोस्त बोलता है, तुम नूरा को तो संभाल नहीं पाए, तुम निया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता जो निया है वो अपने डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की है, और टोनी तुम्हें अपने हद में रहकर किसी लड़की को चूज करना चाहिए था। और फिर उसका एक दोस्त आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे दोस्त तुम ऐसी लड़की को नहीं संभाल पाओगे। और टोनी बोलता है, तुम सभी की तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी टोनी के फोन पे नूरा का मैसेज आता है और नूरा ने उसे मैसेज किया होता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अनफॉलो कर दो। और मैसेज को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है, तुम मेरे इमोशन के साथ में खेलना चाहती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरा काफी यूज कर चुकी हो, अब तुम मेरा यूज नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा। फिर नूरा बताती है कि मैंने जेंकी को इसलिए अपना बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि मेरे मदर के इलाज में $50,000 लग रहे थे। मैं बिल्कुल भी एक गोल्ड डिगर लड़की नहीं हूँ। तभी टोनी नूरा को $50,000 भेज देता है।